Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you register in stylistic. डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम रजिस्टर की आज के इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं रजिस्टर की डेफिनेशन से. रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें वी आर इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़. हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. सपोज करें कि एक आदमी है, आप उसको देखें एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ टीचर, एज एन इंजीनियर, और इसके अलावा जितनी भी फील्ड हैं अब तक इस पूरी दुनिया में जो कि या एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इंसान इन्वॉल्व होता है. जैसे किसी भी प्लेयर को देख लें, किसी फुटबॉल प्लेयर को देख लें, किसी क्रिकेट के प्लेयर को देख लें, या वॉलीबॉल के प्लेयर को देख लें, बैडमिंटन के प्लेयर देख लें, या फिर आप किसी साइंटिस्ट को देख लें. तो हर प्रोफेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसका स्टाइल भी डिफरेंट होता है, उसमें जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो टर्म्स भी डिफरेंट होती हैं. तो हर एक्टिविटी में जो इंसान इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो हर किस्म की एक्टिविटीज़ में वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है या जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज होती है, रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो डिफरेंट होता है. मैनी एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ आवर लियर और रिलेटेड टू आवर होम लाइफ. उनमें से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारे फालतू के वक्त की होती हैं. जब मतलब हम फारिग होते हैं तो तब हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, और या फिर हम घर में होते हैं तो तब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं. लुक एट द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, आप किसी भी आदमी की ज़िंदगी की तरफ देखें, एंड वी विल फाइंड आउट दैट एवरी डे ही पासिस थ्रू डिफरेंट रोल्स. हर दिन वो डिफरेंट रोल्स से गुजरता है. सपोज करें एक टीचर को ही देख लें, टीचर जो है वो एज अ टीचर अपने स्टूडेंट से बात करता है, या फिर एज अ टीचर वो अपने कॉलीग से बात करता है. फिर उसका रोल देख लेंगे जब वो अपने प्रिंसिपल से बात करता है, उसका रोल देख लें स्कूल से बाहर क्या होता है, या फिर आप देख लें कि जब वो घर में होता है तो एज अ फादर उसका रोल क्या है, और उसी घर में एज अ हस्बैंड उसका रोल क्या है, उसी घर में एज अ ब्रदर उसका क्या रोल है. ठीक है, तो एक ही इंडिविजुअल के जो डिफरेंट रोल होते हैं, उन डिफरेंट रोल के अंदर जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है या स्टाइल ऑफ जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. इन ईच रोल ही विल प्रोड्यूस और हेयर फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, और हर रोल के अंदर वो खुद भी लैंग्वेज के फीचर्स को प्रोड्यूस भी करेगा और सुने भी का. दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द एक्टिविटी इन विच ही इज इन्वॉल्व, और उसी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो स्टाइल या वो फीचर्स जिसमें वो इन्वॉल्व होगा. अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो डॉक्टर से बात कर रहा है या पेशेंट से बात कर रहा है तो वो जो है उसी टर्म में बात करेगा. मतलब कि जो डॉक्टर्स लैंग्वेज बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में वो वाली टर्म यूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होती हैं. अगर कोई लॉयर है, ठीक है, या कोई आपके पास अटॉर्नी है तो उससे अगर आप बात कर रहे हैं, या वो अपनी फील्ड के किसी बंदे से बात कर रहा है तो जो वो टर्म यूज़ करेगा वो अपनी फील्ड की टर्म यूज़ करेगा. तो हर बंदा अपनी फील्ड से रिलेटेड टर्म्स जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज नॉट स्पीक विद हिज बॉस इन द सेम वे एज ही स्पीक्स टू हिज फ्रेंड. आप देख लेना कि जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं उसी तरह से आप अपने बॉस से बात नहीं कर सकते. जिस तरह आप अपने बहन या भाई से बात करते हैं उसी तरह आप अपने फादर या मदर से बात नहीं करते. ठीक है, और जैसे होता है कि आप हेलो हाय बोल लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बोल लेते हो या फिर अपने कोलीग्स को भी बोल लेते हो, तो हेलो हाय आप अपने बॉस को नहीं हेलो हाय कर सकते, आपको फॉर्मल होना पड़ता है उनके साथ. ठीक है, तो रजिस्टर इज़ द टर्म यूज्ड इन फोनेटिक रेफर टू द वॉइस क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स. लैरिंग्स की साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो वॉइस की क्वालिटी प्रोड्यूस की जाती है. फोनेटिक में रजिस्टर, फोनेटिक जो है इस बात को रजिस्टर रेफर करती है कि वो रजिस्टर है कि किस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करते हैं, किस स्टाइल में बात करते हैं, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या होती है, आपकी ट्यून क्या होती है, आपकी वॉइस की टोन क्या होती है जब आप
जो है वो अपने फादर से बात कर रहे होते हैं, और उसी वॉइस की ट्यून क्या होती है जब आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, या फिर किसी आप अपने जो है सिस्टर से ब्रदर से बात कर रहे होते हैं, तो तब आपकी वॉइस की ट्यून या वॉइस की क्वालिटी क्या होती है। मतलब कि वो कहता है कि जो आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड के अंदर सोच लेते हैं कि अगर मुझे कोई मुझसे एज में बड़ा है या कोई ओहदे में बड़ा है तो उससे मुझसे कैसे बात करनी है, या कोई मुझसे एज में छोटा है या एज फेलो है मेरा, या कोई मेरा फ्रेंड है तो उससे मुझे कैसे बात करना है। ये आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वेरिएशन इन द लेंथ थिकनेस एंड टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सप्रानो कॉन्ट्राल्टो एंड टेनोर सच डिफरेंसेस एज बिटवीन हेड एंड चेस्ट वॉइस। अब देखिए कुछ ऐसी वॉइस होती हैं जो आप नाक से निकालते हैं, कुछ ऐसी होती है डायरेक्ट गले से निकाल रहे होते हैं, और वो कहते हैं म्यूजिशियन जो होते हैं, कुछ जो आपके होते हैं सिंगर होते हैं, कहते हैं कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो आपको अपने जो है वो चेस्ट से निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। और मतलब कि आपके काफ़ी सारे जो हैं वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी वॉइस की प्रोडक्शन में, और वो आपकी वॉइस की प्रोडक्शन डिपेंड करती है कि आप आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है कि आप किस शख्स से किस तरीके से बात करना चाहते हैं। सम फोनेटिशियंस यूज द टर्म इन अ फंक्शनल वे इन रिलेशन टू स्पीच टू रेफर टू टाइप्स फोनेशन विच द स्पीकर वेरीज इन अ कंट्रोल्ड मैनर। वो कहते हैं कि ये एक फोनेशन की एक ऐसी टर्म है जिसमें स्पीकर जो होता है वो ऐसी स्पीच बनाता है जो कि कंट्रोल्ड मैनर में बनाता है, कि उसके कंट्रोल में होता है कि जब वो एज अ टीचर है और अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा है तो उसको किस तरह से बात करनी है, ये उसकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद सोच लेता है कि मुझे उससे कैसे बात करनी है। अगर वो अपने कोलीग से बात कर रहा है तो तब भी वो सोच लेता है कि मुझे इससे कैसे बात करनी है, या अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है तो तब भी वो खुद ही सोचता है कि मुझे इससे कैसे बात करनी है। अकॉर्डिंग टू हैलिडे एंड हासन, हैलिडे और हासन के मुताबिक जो कि हमारे पास दोनों लिंग्विस्ट हैं, रजिस्टर्स आर लिंग्विस्टिक वेराइटीज दैट को रिस्पोंड टू डिफरेंट यूज ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि ये लिंग्विस्टिक्स वेराइटीज होती हैं रजिस्टर जो कि आपके लैंग्वेज के डिफरेंट यूज़ के साथ कोरिस्पोंड करती हैं, कि आप लैंग्वेज को डिफरेंटली यूज़ करते हो, हर एक्टिविटी के हिसाब से आपकी लैंग्वेज का यूजेज होता है वो डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू डी ए विल्किंस देयर आर डिस्टिंक्ट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद पीपल। लोगों के साथ जो है वो लैंग्वेज की डिस्टिंक्ट वेराइटीज जो होती हैं एसोसिएट करती हैं, एंड ऑक्यूपेशंस के साथ भी, कि आप स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के होते हैं तो आप जो है वो स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से। एंड टू दोज द नेम रजिस्टर हैज़ बीन गिवन, और उन्हीं चीज़ों को रजिस्टर का नाम दिया जाता है, कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप किस तरह बात करते हैं, आप पॉलिटिशियन है तो आपका स्टाइल क्या होता है, आपकी ट्यून क्या होती है, आप कौन कौन सी टर्म अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, या आप टीचर हैं तो क्या बात करते हैं, डॉक्टर हैं तो क्या बात करते हैं, इंजीनियर हैं तो क्या बात करते हैं, म्यूजिशियन है तो क्या बात करते हैं, सिंगर हैं तो क्या बात करते हैं, वो आपका रजिस्टर कहलाता है। और किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, उसमें आपकी ट्यून आ जाती है, वो आपका रजिस्टर होता है। एवरी फील्ड हैज़ इज ओन रजिस्टर, हर फील्ड का अपना रजिस्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर साइंटिफिक रिलीजियस प्रोफेशनल एंड टेक्निकल रजिस्टर रिलेटेड टू देअर ओन परस्पेक्टिव फील्ड। रिलीजियस रजिस्टर और होंगे, साइंटिफिक और होंगे, प्रोफेशनल्स के और होंगे, टेक्निकल रजिस्टर और होंगे, हर एक स्पेसिफिक फील्ड के परस्पेक्टिव के हिसाब से रजिस्टर होता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, अब रजिस्टर की टाइप क्या होती हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर यूटिलाइज बाई द अडल्ट नाउ अ डेज आर डिस्क्राइब्ड बाई मार्टिन हुड दे आर एज अंडर। वो कहते हैं कि जो रजिस्टर आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं अडल्ट, वो यहाँ पे ये हैं। पहला है हमारे पास फ्रोजन, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिटरेरी रिलीजियस लीगल वर्क्स विच आर फिक्स्ड इन एक्सप्रेशन। लिटरेरी वर्क्स, रिलीजियस वर्क्स या लीगल वर्क्स जो कि अपने एक्सप्रेशन में फिक्स्ड होते हैं, मतलब जो फिक्स्ड एक्सप्रेशन वाले काम हैं उनमें जो आपके पास रजिस्टर यूज़ किया जाता है उसको फ्रोजन कहते हैं। फ्रोजन मीन फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सप्रेशन। आप लिटरेरी वर्क में एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकते, रिलीजियस एक्सप्रेशन और लीगल जो वर्क होते हैं उसमें एक्सप्रेशन चेंज नहीं करते, वो एक्सप्रेशन फिक्स्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो रजिस्टर होता है वो भी फिक्स्ड होता है और उसको हम फ्रोजन कहते हैं।
दिस फॉर्म इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टैटिक रजिस्टर. इस फॉर्म को कभी कभी हम स्टैटिक रजिस्टर भी कहते हैं बिकॉज इट रेफर्स टू हिस्टोरिकल लैंग्वेज को रेफर करती है और कम्युनिकेशन दैट इज़ इंटेंडेड टू रिमेन अनचेंज्ड, और एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि जो है वो चेंज नहीं होती, लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेयर. एक प्रेयर की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है आप उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते, इसी तरह आप अपनी प्रेयर को चेंज नहीं कर सकते. जिस स्टाइल में पढ़ी जाती है या जिस स्टाइल में आपकी दुआ मांगी जाती है या नमाज़ पढ़ी जाती है उसी स्टाइल में आप हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो इसका मतलब यह है कि वो वाला रजिस्टर जो आप अपने रिलीजियस एक्ट के लिए, लीगल एक्ट्स के लिए या लिटरेरी वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं उस रजिस्टर को फ्रोज़न कहा जाता है. वो स्टैटिक भी होता है क्योंकि वो अनचेंज रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द बाइबल, द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, द भगवद गीता, द होली कुरान, रोमियो एंड जूलियट. ठीक है, तो जैसे कि आपकी बाइबल है, होली कुरान, आप उसके जो है वो रिटन जो स्क्रिप्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, पाकिस्तान का, इंडिया का, चाइना का, वो आप चेंज नहीं कर सकते. इसके अलावा भगवद गीता जो है हिंदूज़ रिलीजियस बुक, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. इसके अलावा रोमियो जूलियट जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते. तो उसके अंदर जो रजिस्टर यूज़ किया गया वो आप कहेंगे कि ये एक फ्रोजन रजिस्टर की एग्जांपल है. फीचर्स जो हैं वो हमारे पास है सेरेमोनियल लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफन आर्केइक, वोकैबुलरी भी आर्केइक होती है, फ्रीक्वेंसी लैटिनाइज्ड, प्रोनंसिएशन जो है वो मेट्रिकोलियो होती है, इंटोनेशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है, और पिच जो है वो हमेशा रेज्ड की जाती है इस तरह के स्टाइल में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you.